जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मुंडारी न्यूज जगत पर, जहां पर आपको आदिवासी से जुड़े हुए हमेशा कुछ न कुछ अपडेट्स देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, कुछ दिनों से एक मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो मैं कई दिनों से देख रहा हूं और सोच रहा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं आखिर मैटर है क्या, यानी कि मुद्दा है क्या। तो दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे कि राखी सावंत जो बॉलीवुड में एक्ट्रेस है और अपने अश्लील कपड़ों, अश्लील फोटो शूट, अश्लील वीडियोस के कारण बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हमेशा वो सोशल मीडिया में सुर्खियों पे रहती है, तो उन्होंने आदिवासी को लेकर के कुछ ऐसे कमेंट किए कि अभी ये मामला बहुत गर्म है और आदिवासी समाज के कई सारे लोग, कई सारे समिति, आदिवासी समाज के कई ऐसे जनजाति के लोग उन पर केस कर रहे हैं, मुकदमा चल रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो चलिए, इस न्यूज़ को हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर राखी सावंत ने क्या ऐसा कहा कि आदिवासी समाज के लोग बुरा मान गए और उन्होंने उन पर केस करना शुरू कर दिया। और ये न्यूज़ आपको जानना भी ज़रूरी है कि आखिर क्यों हर बार लोग आदिवासी को ही इस तरह के भद्दे कमेंट करते हैं। और इससे पहले भी कई ऐसे लोगों ने इस तरह की बात कही है आदिवासी को लेकर के, जिसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बनाया है और दिखाया है, तो उन सभी के भी बात करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले राखी सावंत की एक एल्बम सॉन्ग आई जिस पर वो डांस कर रही थी और बहुत ही अश्लील तरह के कपड़े पहने थे। मैं आपको वो फोटोज अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो उसमें उन्होंने दोस्तों जो लुक, वो जो गेटअप उनको दिया गया था, उस गेटअप में उन्होंने ये कहा कि मैं आदिवासी लुक में कैसी लग रही हूँ और आप ये फोटो देख करके बताइए कि क्या आदिवासी ऐसे कपड़े पहनते हैं और ये हक उनको कौन देता है कि वो इस तरह से कहें और इस तरह का गेटअप में। तो दोस्तों, इस फोटो को और इस वीडियो को देखने के बाद आदिवासी समाज के लोग उनसे नाराज हो गए और उन पर मुकदमा केस करना शुरू कर दिया। जैसा कि कुछ आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे कि झारखंड के सरना समिति के लोग रांची से राखी सावंत के ऊपर केस किए हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और अब उन्होंने इस तरह का अगर वाक्य कहा है तो उन्हें माफ़ी मांगनी होगी या फिर उनके ऊपर सजा होना चाहिए। दोस्तों, बता दूं, मैं इससे पहले भी इस तरह के कुछ लोगों ने और भी कमेंट किए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला भारती सिंह, जिन्होंने अपने शो खतरा खतरा में ये कहा था कि आदिवासी इस तरह के कपड़े पहनते हैं और उस चीज़ को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी सोशल मीडिया में, बहुत सारे आदिवासी लोगों ने उन पर केस किया था, लेकिन अंत में उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। और उसके बाद दोस्तों, दूसरा भारत के सबसे अच्छे यूट्यूबर में से एक इल्विस यादव, जो कॉमेडी भी करते हैं और ब्लॉगिंग भी करते हैं, उन्होंने भी अपने एक ब्लॉग वीडियो में अपने रूम को दिखाते हुए कहा कि मेरा रूम जो है आदिवासियों की तरह है। तो इस पर भी लोगों ने उन पर काफ़ी ट्रोल किया, लेकिन उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। और इस पर मैंने भी वीडियो बनाया था, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, लेकिन उनका अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने माफ़ी मांगी हो। तो दोस्तों, इसी तरह अब फिर से एक बार फिर से राखी सावंत ने अपने इस गेटअप लुक के कारण आदिवासियों को एक अलग तरीके से, एक बहुत ही मतलब उस उनके जो वर्ड है उन पर मैं क्या कहूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप ये फोटो को देख करके बताइए कि क्या इस तरह के आदिवासी रहते हैं और ये हक कौन देता है कि इन्हें इस तरह कहना का कहने के लिए। तो दोस्तों, मानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे अपने फील्ड में कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं या आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, आप बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, लेकिन आपको ये हक कोई नहीं देता कि आप आदिवासी को लेकर के कुछ इस तरह के गंदे और भद्दे कमेंट करें, जिसे देखने के बाद किसी भी समाज, चाहे वो आदिवासी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, किसी भी समाज से हो, उनके धर्म संस्कृति को ठेस ना पहुंचे। और इस चीज़ को मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमारे पुराने ज़माने से जो मूवीज़ बन रही है, जो भी नाटक वगैरह होते हैं, उन सभी चीज़ों में आदिवासियों को इसी तरह दिखाया जाता है और उसी का कहीं ना कहीं ये लोगों में एक माइंड सेट हो गया है कि आदिवासी इसी तरह रहते हैं। तो आपको ये करना होगा कि इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए, इतना से जितना हो सके तो उन राखी सावंत को हैशटैग में लीजिए ताकि उन्हें ये वीडियो के माध्यम से पता चले कि उन्होंने क्या गलती की है और उन्हें भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी या फिर उनके ऊपर जो केस मुकदमा हो रहा है उन्हें सजा मिले अगर वो माफ़ी नहीं मांगती है तो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये
वीडियो अच्छी लगी होगी, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि आखिरकार आदिवासियों के ऊपर लोग इस तरह के भद्दे कमेंट क्यों कर रहे हैं। हैशटैग यूज़ कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मुंडारी न्यूज़ जगत। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जोहार दोस्तों।